गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों का नया सेशन आया है ये प्रेपोजिशन पे आया है। जो बच्चे प्रेपोजिशन में वीक हैं उन्हें दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस लगाऊंगा जो पेपर में आते हैं, ठीक है? तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इस टॉपिक को डिस्कस करना और इसको बताना, बहुत इजीली ये टॉपिक कवर हो जाते हैं और बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। तो ये जो प्रेपोजिशन का पहला क्वेश्चन है, 51st वाला, तो इसको मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ। डिस्पाइट ऑफ अवर गुड कॉन्ट्रैक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर अवर फ्रेंड्स। तो पहली बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट, डिस्पाइट के बाद ऑफ, साथ ही साथ। इन स्पाइट के बाद ये पेपर में बहुत आता है। देखिए, इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, पर डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है। जब कभी भी आप लोग प्रेपोजिशन का टॉपिक लगाएंगे तो ये एरर उसमें ज़रूर आएगी, ठीक है, कि डिस्पाइट के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब कभी भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें डिस्पाइट के बाद ऑफ का इस्तेमाल दिया हुआ हो, तो सिंपली या तो डिस्पाइट को हटा करके इन स्पाइट का इस्तेमाल कर दिएगा, या तो फिर आप लोग डिस्पाइट के बाद ऑफ को हटा दिएगा। और इसकी हिंदी होती है के बावजूद, इसकी हिंदी होती है के बावजूद। अब इसकी हम लोग हिंदी निकालते हैं, हमारे गुड कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद हम लोग अपने दोस्तों के लिए टिकट्स नहीं ले सके थे, ठीक है? चलिए, इसमें एरर हो जाएगा फर्स्ट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन आता है, वेयर वेदर इट इज़ भोजपुरी और मैथिली, आई एम विद होम विद बोथ द लैंग्वेज, ठीक है? देखिएगा, आई एम विद होम, ये देखिएगा एक फ्रेज होता है, आई एम होम, यू आर होम, ये एक फ्रेज होता है। आई एम होम का मतलब होता है कि आई एम गुड एट समथिंग, आई एम गुड एट समथिंग। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो आप बोलोगे आई एम होम। तो चाहे वो भोजपुरी हो और मैथिली हो, मैं दोनों ही लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ या मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। आई एम होम के पहले विद का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में गलती हो जाएगी। तो जब कभी भी आई एम होम आ जाए तो उसके पहले विद का यूज़ कभी भी नहीं होता है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जब कभी भी द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन नवनीत हॉल। जो एक्टर था वो काफ़ी नाराज था जो बर्ताव उसके साथ हुआ था पार्टी के दौरान नवनीत हॉल में। तो देखिएगा, एंग्री, एंग्री माने होता है नाराज होना, एंग्री के बाद विद का यूज़। अगर कोई सजीव मतलब कि एनिमेट मतलब किसी इंसान या व्यक्ति के पैर ऊपर आप नाराज होते हैं तो विद का यूज़ होता है। लेकिन यदि आप किसी चीज़ के ऊपर नाराज़ होते हैं तो आप लोग हमेशा एट का इस्तेमाल करते हो, एंग्री एट समथिंग। अगर आप किसी निर्जीव के ऊपर नाराज़ हैं तो एट, और अगर सजीव पे नाराज़ हैं तो विद। क्वेश्चन नंबर 54, इसीलिए यहाँ पर 53 वाले में विद की जगह पे एट का यूज़ हो जाएगा, विद की जगह पे एट का यूज़ हो जाएगा। जो ग्रेट एक्टर था वॉज एंग्री एट द ट्रीटमेंट, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। डोंट गो बाय हीज अपियरेंस, ही इज कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके अपियरेंस के ऊपर मत जाओ, वो सक्षम है कोई भी काम करने के लिए बगैर किसी झिझक के, ही इज कैपेबल ऑफ, ठीक है? कैपेबल ऑफ डूइंग, कैपेबल के बाद कभी भी एट का यूज़ नहीं होता है, ठीक है? कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ होता है, कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। और ये जो ऑफ होता है
इसका जो उच्चारण होता है वो ऑव होता है। यदि डबल एफ वाला ऑफ आ जाए तो उसका उच्चारण ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ। तो कई लोग इसका उच्चारण ऑफ कर देते हैं, लेकिन ये इसका उच्चारण होता है और इसका उच्चारण होता है ऑफ, जिसको फोनेटिक्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑफ। चलिए, द मैसेज हैज़ बिन रिपीटेड सेवरल टाइम्स ऑन द रेडियो सिंस 4 डेज। जो मैसेज है वो रेडियो के ऊपर कई बार रिपीट हुआ है 4 4 दिनों से। पहली बात तो यहाँ पर आ गया 4 डेज। देखिए, एक होता है ड्यूरेशन, एक होता है ड्यूरेशन, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन अगर आ गया, जैसे कि 4 डेज, 5 डेज, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, तो कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आ जाए सिंस मंडे, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया तो हम लोग हमेशा सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर मंडे की बात होती तो सिंस का इस्तेमाल हो जाता, जैसे कि 2011 से वो 2011 से पढ़ा रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है कि 2011 में या मंडे में काम शुरू हुआ था। लेकिन जब हमने ये बता दिया कि बीते हुए 4 दिनों से काम चल रहा है, तो इसका मतलब ये ड्यूरेशन हो गया, और ड्यूरेशन के लिए हम लोग हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5th की ओर बढ़ते हैं। देयर कैन हार्डली बी ऑब्जेक्टिवली इन मेजर। तो इस पार्ट में थर्ड वाले में एरर है। तो पहली बात, यहाँ पर ऑब्जेक्टिवली की जगह पे ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्टिव के बाद जो इन आ रहा है ये प्रेपोजिशन है, और हमेशा ध्यान रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो मेजर की जगह पे मेजरिंग का इस्तेमाल हो जाएगा, मेजर की जगह पे मेजरिंग का इस्तेमाल हो जाएगा प्रेपोजिशन के बाद। हमेशा ध्यान रखिएगा हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन वॉज नॉट फुली रियलाइज टू द अथॉरिटीज। जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो निष्कर्ष थे एक्शन के, मतलब जो भी हमने एक्शन किया था, जो उसका निष्कर्ष था, उसको पूरी तरीके से अथॉरिटीज़ के द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था। तो देखिएगा, यहाँ पर सेंटेंस पैसिव में रखा हुआ है, इसीलिए टू की जगह पे बाई का इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई काम हुआ है। जब कोई काम किसी के द्वारा होता है तो वो पैसिव में रखा होता है, और पैसिव में हमेशा बाई का यूज़ करते हैं, ना कि टू का। क्वेश्चन नंबर 58 काफ़ी इजी है, प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन है। आई एम प्लीज्ड टू सेंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज विद दिस मंथ। मैं बहुत ही खुश हूँ एक स्पेशल इंक्रीमेंट सेंक्शन करने से करके सारे एम्प्लॉयज़ के लिए विद दिस मंथ। गलत, विद का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब होगा कि मैं इस महीने बहुत ही खुश हूँ एक स्पेशल इंक्रीमेंट सारी एम्प्लॉयज़ के लिए पेश करके, ठीक है। तो यहाँ पर विद दिस मंथ का मतलब निकल जाता है इस महीने के साथ। एक्चुअली यहाँ पर जो दिस मंथ है वो यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। दिस मंथ, दैट मंथ, आई केम दिस मंथ, तो यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर विद का इस्तेमाल कट गया। जैसे कि हमारे एक एग्जाम्पल को सुनिएगा, जैसे कि हमने लिखा आई केम दिस मंथ, मैं इस महीने आया था, तो केम क्या हो गया? वर्ब, और दिस मंथ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? दिस मंथ। तो मैं इस महीने आया था, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसका पैसिव भी बन जाएगा। तो मैं इस महीने आया था, तो जो ये दिस मंथ है ये बता रहा है कि कार कब हुआ है, कार इस महीने हुआ है, तो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट की तरह। क्योंकि अगर कम के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है
उसके पहले टू का इस्तेमाल होता है, तभी हम लोग कहते हैं आई शी केम टू इंडिया, क्योंकि टू ऑब्जेक्ट है। तो जब कभी भी टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो जैसे कि आई केम टू इंडिया, तो उसके पहले हमेशा टू का इस्तेमाल होगा, क्योंकि दिस मंथ एक एडवर्ब है, इसीलिए इसके पहले टू का इस्तेमाल आप कभी नहीं कर सकते। इसी तरीके से दिस मंथ के पहले भी वेरी का यूज़ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ को पहनना, पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहनना, ठीक है। आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। मैं एक नोट डालूंगा इस मसले में कि जिसमें आपका कंसिडरेशन और नेसेसरी एक्शन हम लोग को मिल जाए। तो मैं एक नोट रखूंगा, मैं नोट पहनूंगा नहीं, इसीलिए पुट के बाद ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि आई विल पुट अ लेटर फॉर यू, आई विल पुट अ कार फॉर यू, आई विल पुट अ टी फॉर यू। पुट ऑन का मतलब हो गया उसको पहनना, इसीलिए ए वाले में पुट के बाद ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग इन बैगेज। सोनी चाहती है, देखिए इंटेंड्स का मतलब यहाँ पे होता है वॉन्ट, और वॉन्ट के बाद हमेशा टू प्लस वी वन का इस्तेमाल होता है। सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग इन बैगेज, बैग इन बैगेज, और साथ ही साथ बैग इन बैगेज के साथ ही साथ एक वर्ड और आता है हार्ट एंड सोल। देखिए बैग इन बैगेज का मतलब होता है बैग इन बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है। और हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विद डेडिकेशन, इसका मतलब पूरे जोशो उल्लास के साथ। और बैग इन बैगेज का मतलब होता है बुरिया बिस्तर समेत, इसीलिए बैग इन बैगेज में ऑलरेडी जो विद होता है ये इम्प्लाइड होता है, इसीलिए पहले बैग इन बैगेज के पहले विद का यूज़ कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ये थे आज के 10 प्रेपोजिशन के सवाल। इसी तरीके से बहुत ही नायाब एसएससी के सवाल और बैंक से संबंधित सवाल हम कल फिर एक वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको इस प्रकार के रूल्स और डिस्कस करना अच्छा लगता है तो आप हमारे जो क्लास है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आगे भी इसी तरीके से सीखने का मौका पाते रहिए।